इसीलिए है दूसरा शहर प्रारंभ होगा, दूसरे शहर में जैसे प्रतिभा ज्ञान ध्यान जो शिव मानस पूजा सौरभ मातृका पूजा और कुल देवी और अपने कुल देवता के पूजन के साथ गुरु वंदना गुरु नमस्कार और नवग्रह पूजा ये करके जो शुरू कवच है जो यंत्र है उसका स्थापना और कुंभा दीवार होगा। जल्द अंदर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कुंभा दीवार करके आरती पुष्पांजलि हो जाएगी। तीसरा पहल साढ़े बारह से प्रारंभ और दो बजे तक मध्यान्ह में फलाहार होगा और सर्प विराम होगा। साढ़े बारह बजे से दो बजे तक फलाहार और सर्प विराम के बाद तीसरा पहल प्रारंभ होगा दो बजे पंद्रह मिनट। इस पहल में जो शिवकवच है जो यंत्र है उस यंत्र का आवाहन होगा स्थापन होगा न्यास होगा विष्णु होगा मुद्रा आरण करिए और वेदोक्ति के अनुसार उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें सोलह संस्कार फिर 250 पूजा ये करके अचल और आदि ये तीसरा है। 4 बजे समापन चार से साढ़े चार तक फिर शाम की चाय होगी और 4:15 पर चौथा पहर चलेगा। कल का जो चौथा पहर है वो आपको बहुत ध्यान पूर्वक समझना जानना है। इस यंत्र की संपूर्ण सिद्धि का कारण चौथे पहर के चौथे पहर में इस यंत्र में 10 संस्कार किए जाएंगे महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा। ये जो महामृत्युंजय मंत्र है इसको अमृत बोलते हैं, इसको संजीवनी बोलते हैं, कार्य सफलता बोलते हैं, सर्व सिद्धि बोलते हैं, भाव सिद्धि बोलते हैं। जो इस यंत्र में संपूर्ण ताकत है वो चौथे पहर की प्रक्रिया से हो पहले मंत्र की जो करते हैं वो 10 विधान है जिसमें जन्म विधान होगा दीपन गर्भोधन अभिषिंचन विमलीकरण और उसके बाद जीवनम तर्पणम गोपनम आप्यायनम ये 10 संस्कारों से मृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करेंगे और उसके यंत्र को सिद्ध करेंगे। ये चौथा पहर बराबर
tidak hati berpandai or dengan perasaan terang kan ar berisi dan berlakukan saya berisi saya berlakukan tidak hati bumi berpandai bumi istimewa पंच मात्र शिव का आवाज
सतयुग जात महादेव वामदेव महादेव अघोर ईशान आदि इस यंत्र में पाप के विशेष रूप से आवेश प्रवेश कोटि के साथ पंचवक्त की स्थापना की जाए। ये सातवां पहर है दो से साढ़े तीन बजे। आठवां अंतिम पहर साढ़े तीन बजे शुरू होगा और पाँच बजे तक चलेगा। इसके अंदर शिव और शक्ति ये जो यंत्र है ये जोड़े में ये आगे में बांधा है। ये जो पीला धागा ये शक्ति का प्रतीक है। ये ताकत है। ये एक से नौ अंक तक की गिनती है और बिंदु शिव तो ये जो धागा है इसके द्वारा आप इसको धारण करेंगे उसमें शक्ति मंत्रों के द्वारा शक्ति का समावेश आवाहन स्थापन पूजन शिव शक्ति और मुद्रा के द्वारा इसका पूजन के साथ अंग पूजा होगी और तीन मंत्रों के द्वारा अंत चेतना दीक्षा इसमें होगी सामर्थ्य दीक्षा होगी। अंत मंत्र के द्वारा शिव शक्ति का समावेश किया जाएगा। नैवेद्य देकर आपकी पुष्पांजलि की जाएगी। ये पाँच बजे पर पाँच बजे के बाद क्योंकि इस यंत्र को सिद्ध करना है इसलिए इसमें हवन की प्रधानता यज्ञ की प्रधानता आहुतियों की प्रधानता तो पाँच बजे के बाद फिर आपको आधे लोग उठ करके जप करेंगे और आधे लोग हवन करेंगे। फिर हवन करने वाले अपने यंत्र को एक तरफ से आहुति देंगे और एक तरफ से धूपम आगरा गयामी दीपकम आगरा गयामी अग्नि आगरा गयामी मंत्रम आगरा गयामी उस यंत्र को पकड़ के आहुति देंगे और उसको भावना देंगे जिससे वो जो अग्नि धूम है जिसमें मंत्र आदि जा रहे हैं उससे उस यंत्र की स्थिति है। पहले जब किया जाएगा जब के बाद फिर यंत्र सिद्ध होगा फिर वापिस जब किया जाएगा फिर यंत्र सिद्ध होगा। आधे लोग पहले जब करेंगे और आधे लोग हवन करेंगे। हवन वाले वापिस आगे जब करेंगे और जप वाले वापिस हवन करेंगे तो पाँच से सात बजे तक ये समापन पहर में वो होगा। उसके साथ फिर सूर्य उपस्थान अर्थात हमने ये कार्य किया यज्ञ में जलने वाले अग्नि को साक्षी बना के और सूर्य का उपस्थान माने सूर्य के द्वारा साक्षी बना के कि हमने आठ पहर
की ऊर्जा परमात्मा की ताकत सूक्ष्म है, और जो निष्ठा है, जो भाव है, जो श्रद्धा है, वो उसको पकड़ के उस यंत्र को सामर्थ्यवान बनाए। तो जब से आप संकल्प लेंगे और जब तक सूर्य पर आप करेंगे, आनंद प्रेम
पति प्रेम करे, पत्नी प्रेम करे, माता प्रेम करे, पिता प्रेम करे, क्या इच्छा रहती है, मुझे सब प्रेम करे, मुझे सब प्रेम करे। खुद भी प्रेम करता है और दूसरे से प्रेम की आशा, प्रेम की इच्छा, प्रेम की अपेक्षा रखता है। इसलिए आत्मा के अपने लिए, ये जो दूसरों से प्रेम करता है, दूसरों के सुख के लिए नहीं, दूसरों के आनंद के लिए नहीं, दूसरों को अच्छा लगे इसलिए नहीं, उसको खुद अच्छा लगे, तो खुद भी प्रेम करता है और आत्मा का प्रेम होने से दूसरों से प्रेम की इच्छा भी है। वो जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण इसका परिणाम ये निकलता है, जब ये संसार में प्रेम करता है, परिवार में प्रेम करता है, व्यवहार में प्रेम करता है, तो वहाँ अंतर क्या जाता है, ये धीरे धीरे आत्मा के प्रेम को भूल जाता है और संसार के प्रेम में उतर जाता है। संसार के प्रेम में उतरने के बाद इसका जो आत्मप्रेम है वो शिथिल हो जाता है, वो दब जाता है। वो प्रेम जिसके मन में ये आत्मा को देख सकता है, और संसार का प्रेम इसके मस्तक पे हावी हो जाता है, इसके दिल पे हावी हो जाता है, इसको अपने प्रभाव में ले लेता है। इसलिए आत्मा के प्रेम को भूल के ये संसार के प्रेम में ही उलझ के रह जाता है, इससे वो आत्मा की अनुभूति होने पर भी जो बाहर का प्रेम है वो आत्मा की अनुभूति नहीं होने देता। धाने तमाम जैसे दृष्टांत दिया था, एक साथ सारे बच्चों की ध्वनि आती है, उसमें अपने बच्चे की ध्वनि आती है, और दूसरे के बच्चों की ध्वनियों ने अपने बालक की ध्वनि को आच्छादित कर दिया, इसलिए सुनते हुए भी वो सुन नहीं पाता। अब आगे कहते हैं, जैसे आत्मा सर्वव्यापक, जैसे ज्ञानवान है, जैसे परम प्रेम का आश्रय है, ऐसे ही वो आत्मा साक्षी है। साक्षी माने दृष्टा है, प्रकाशक है, तेज देने वाला, वृद्धि देने वाला, रोशनी देने वाला, ताकत देने वाला, वो एक ही है जो साक्षात्कार है। वो आत्मा ऐसा दृष्टा है, ऐसा प्रकाशक है कि इस जीव को, इसकी इंद्रियों को, इसके मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, सबको प्रकाश देता है। उस आत्मा से प्रकाश लेके, आत्मा से ताकत लेके, आत्मा को पकड़ के नृत्यशाला पिटो प्रभु जैसे ज्ञान
都是接近了半年的建立的，所以你拿起来了就不一样。我就拿起来了以后，我开始拿起来了，就当家问他呢，马家问他呢，啥人问他呢，谁家问他呢，你家啥人问他呢。फिर उसके बाद गायन शुरू होता है। गायन के बाद फिर वो नृत्य करती है। जो बोल बोले जाते हैं उन बोल के ऊपर नाचने वाली चाल को देख के, वाद को देख के, शब्द को देख करके उस स्टेज के ऊपर नाचती। अब उस नाटक शाली का एक मालिक इसका नाम है प्रभु माने मालिक, और उस मालिक के साथ बहुत लोग संबंध रखने वाले है। नाचने वाली एक नर्तकी हो गई, साल बाल बजाने वाले हो गए, गायन वाला हो गया। अब इस सारे नाटक शाली में एक सबसे ऊपर बड़ा जलता, उसकी रोशनी से वो पूरा नाटक शाला प्रकाशित रहेगा। और वो जो रोशनी है वो एक ही रोशनी, उसी प्रकाश में मालिक को भी प्रकाश मिलता है, सात बार बजाने वालों को भी प्रकाश मिलता है, नर्तकी को भी प्रकाश, जो गायन कर रहा है उसको भी प्रकाश है, जो सब है लोग बैठे हजारों पंक्तियों के लिए उसको भी प्रकाश है। तो नाटक शाली में जैसे प्रकाश को पा करके नर्तकी नाचती है, जो मालिक है वो गिनती करता है मुझे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। जो दर्शक लोग हैं वो देखते हैं कि ये कितना नृत्य अच्छा कर रही है, सात बार बजाने वाले बजाते रहते हैं, गायन वाले गाते रहते हैं और नर्तकी नाचती रहती है। इसके अंदर एक ही ध्यान देने की बात, सात बार वाले भी बहुत नर्तकी भी बहुत खुशिया, जो मालिक है उसकी भी व्यवस्था बड़ी जोरदार है, देखने वाले भी बहुत आनंदित होके उत्सुकता से देखते। बस ये सब किसके बल पे चल रहा, वो नाटक शाला किसके बल पे चल रहा, कौन सी सबसे महत्वपूर्ण जिसके होने से ही नाटक चलेगा और जिसके अस्त होते ही सारा नाटक समाप्त हो जाए। वो क्या है? प्रभाव। अगर चलते हुए ड्रामे में लाइट चली जाए तो साफ साफ हो जाए, नर्तकी नाच सकती ना, दर्शक देख सकते ना, ताल बाल बजाने वाले बजा सकते और ना ही गायन वाला गा सकते। एक प्रकार उस नाटक शाले की रोशनी वो नर्तकी को, स्टेज को, मालिक को, दर्शकों को, सबको आभार रखती है, सबको अपने कार्य में लगाते रहती है। ऐसे ही कहते हैं अहंकार प्रभु सभ्या विषया नर्तकी मती ताराधारी नक्षारी दीपा साक्षी। ये जो शरीर है ये
देव देता है, प्रसाद देता है, ऐसे ही यज्ञ रूपादि कर देगा बुद्धा तब तक प्रकाश तस् तस् भवे साक्षी प्रसाद बुद्ध जैसे ऐसा करता तो ऐसा होगा, ऐसा करता तो ऐसा होगा, उस संकल्प को ये मन चित्त को पकड़ा देता, चिंतन चिंतन करने लगता, मेरा कितना फायदा होगा इसमें, मेरा कितना नुकसान होगा, कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, क्या मेरे अनुकूल है, क्या मेरे प्रतिकूल है, मुझे कैसे करना चाहिए, ये चित्त चिंतन करता है। और जैसा मन और चित्त भाग देते हैं, गायन चलाते हैं, वैसे ही बोले एक संसार में नाचती रहती है, नाचती रहती है, नाचती रहती है, नाचती रहती है, उस बुद्धि को तेज देने वाले, बुद्धि को गति देने वाला, बुद्धि के अंदर ताकत देने वाला वो आत्मा वो तेज है, वो प्रकाश है, वो बुद्धि को बोलता है ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। जब तक वो आत्मा उसको प्रकाश देता रहता है, तब तक बुद्धि नाचते 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 बुद्धि थक जाती, नाचती थक जाती, जैसे थकती है ऐसे तो लड़के छोड़ साथ बार बजाने वाले भी बजाते 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 चिंतित हो जाते और मन भी संकल्प करते 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 शांत हो जाता। जैसे ये सारा नृत्य बंद होता है, सारा जितना प्रसंग है वो स्वप्न में उपस्थित हो जाए और स्वप्न के बाद और सुसुप्ति अवस्था
ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰ ਪਹਿਲਾ ਸਪਨਾ ਦੂਸਰਾ ਨਗਰ ਔਰ ਸੰਤਪਤੀ ਤੀਸਰਾ ਨਗਰ ਜਦ ਇਹ ਤੀਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਨਮ ਕਰਮ ਯੋਗਾ ਇਸਕੇ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਨ ਕਰਮੋਂ ਸੇ ਉਸਕੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਸੇ ਅਲ ਭੋਗਨਾ ਹੈ ਵੋ ਕਰਮ ਇਸਕੋ ਉਠਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆਤਮਾ ਕਾ ਆਨੰਦ ਦੇਤਾ ਰਹੇਗਾ ਤੋ ਇਹ ਕਰਮੋਂ ਕਾ ਫਲ ਕੌਣ ਭੋਗੇਗਾ ਇਸਲੀਏ ਪੂਰਾ ਜੈਸੇ